हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार और कुमाऊनी लोगों को मेरा दिल से प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही ज्यादा स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा व्लॉग है वो थोड़ा सा होने वाला है डिफरेंट और मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल। तो आगे आगे आपको बताऊंगी कि आज का व्लॉग क्यों स्पेशल है। तो बने रहिए मेरे व्लॉग में और देखते रहिए गीता विशाल बेस्ट चैनल, और इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए आगे आगे बताऊंगी कि आज का डे क्यों स्पेशल है मेरे लिए। आज मैं हूँ बहुत ही ज्यादा खुश, आपको मुझे देख के पता ही लग रहा होगा क्योंकि मैं पागल हो रखी हूँ। वैसे शादी के बाद तो उतनी पागल नहीं, लेकिन इस दिन के लिए, शादी से पहले मैं बहुत ही ज्यादा पागल रहती थी, मतलब अलग लेवल की पागल। तो बताऊंगी कि आज मैं क्यों इतना खुश हूँ, तो बने रहिए मेरी ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह सुबह मैंने कर लिया है मेरे क्यूटी क्यूटी बाबू को बिल्कुल रेडी। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या सीख गई है पता नहीं, जीभ क्यों निकालना सीख गई है पता नहीं। ये देखिए, ये खेल रही है अपने तकिए के साथ। तो चलिए, तो अभी बेटू को कर दिया है बिल्कुल रेडी, अब चलते हैं नीचे, नाश्ता वगैरह सब कुछ कर लेते हैं और फिर क्या करेंगे, दवाई भी खानी है अभी। हाँ, तो चलिए। अभी मेरा सबसे बड़ा टास्क है बेबी को निवलाइज कराना। ये भाप इसे दो बार देनी पड़ती है, एक सुबह के टाइम और एक रात के टाइम। यार ये बहुत मुश्किल काम है, ये थोड़ा बहुत तो सही से लेती है, उसके बाद ही थोड़ा देर बाद रोने लगती है। और बच्चा ऑब्वियसली रोएगा ही क्योंकि उसे परेशानी होती है मास्क से। तो मैं इसको वैसे मास्क पूरा पहनाती ही नहीं हूँ फिर भी, तो मैं अपने हाथ से ही पकड़ के रखती हूँ कि इसको, इसके मुँह पर भी ज़्यादा नहीं लगाती, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, पता नहीं क्या, लेने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं होती है। तो अभी आ गई थी मैं छत पर और मैंने इसको थोड़ा सा सेब की जो प्यूरी है जो मैं बना के, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि मैं सेब की प्यूरी बच्चे को खिलाती हूँ दूध में गर्म वगैरह करके और उसे मिक्सी में पीस के, तो ये खाया था। और मैंने उसके बाद इसके बर्तन धोए तो ये कहने लगी कि मेरे को चम्मच दो। अब देखो चम्मच को खा रही है, खाली चम्मच है, और ये एक्टिंग कर रही है। देखो ये हमारे बगल में रहती है और ये बहुत ही ज़्यादा खेलती है। ये दोनों पागल हुए रहते हैं एक साथ, बहुत मस्ती करते हैं ये दोनों एक साथ में। ये देख रहे हैं, अभी ये अपने पीछे भगा रही है उसको और वो भाग भी रही है, जितना वो भागती है उतना अपना भी भाग जाती है पीछे से बिट्टू हमारा। ये देखिए, ये ऐसे ही छत पे मस्ती करते रहते हैं और मैं थोड़ा सा बैठ जाती हूँ या फिर अगर कुछ काम वगैरह हो तो कर लेती हूँ जब तक कि बेटा वॉकर में है। तो फ्रेंड्स, आपका इंतज़ार होता है यहाँ पर ख़त्म। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आज मैं इतनी खुश क्यों हूँ, मैंने ऐसा क्यों बोला पहले कि आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरे लिए कुछ खास दिन है। तो आज है मेरा जन्मदिन और आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मुझे अपने मम्मी पापा की आज बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है, मतलब मेरे मम्मी पापा मुझे मेरे मायके की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है आज। क्योंकि यार बर्थडे हो या कुछ हो या फिर कुछ भी छोटा मोटा सेलिब्रेशन या कुछ भी हो, अपने मम्मी पापा की आज आ ही जाती है। तो आज मुझे भी मेरी मम्मी पापा की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है कि वो पास में ही होते तो क्या पता सेलिब्रेशन में आ जाते। वो गांव में रहते, उत्तराखंड में रहते और मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो मेरा आना जाना भी बहुत ही ज़्यादा कम होता है। लेकिन मैं इस बार जाऊँगी गाँव गर्मियों की छुट्टियों में, तो क्या बोला, चलिए आगे दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, अभी आई हूँ मैं पनीर लेने बाहर शॉप में, तो यहाँ पर से लेके चलते हैं पनीर और घर जाके बनाते हैं मटर पनीर की सब्जी।
तो फ्रेंड, जैसे कि आपने मैंने आपको बता ही दिया कि आज मेरा बर्थडे है, तो क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड को ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम आ गया, मतलब कॉल आ गई, वो बहुत ही ज़रूरी काम है तो उन्हें जाना पड़ा अर्जेंटली बाहर। तो क्या हुआ कि इस बार का बर्थडे की तैयारी मुझे खुद ही करनी पड़ रही है। अभी मैं आई हूँ बाहर, तो मैंने केक ले लिया है शॉप से, तो अभी मैं आई हूँ पिज़्ज़ा लेने। तो वैसे हस्बैंड जी का भी फ़ोन आया था कि मैं पिज़्ज़ा वगैरह घर पे ऑर्डर कर देता हूँ, तो मैंने कि कोई बात नहीं, मैं अभी बाहर आई हूँ तो मैं पिज़्ज़ा भी लेके ही चलती हूँ, तो आप अपना काम करिए। तो मैं अभी वेट कर रही हूँ, 15 मिनट वेट करने के लिए बोला है, और मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बोर हो रही हूँ, और मैं आपको दिखाती हूँ अपनी अलग अलग शक्ल बना के। यार अकेली बैठी हूँ यार, शादी से पहले तो बाहर घूमने उमने जाते थे ना फ्रेंड्स के साथ, तो बहुत मज़ा आता था यार। मिस करती हूँ वैसे उन दिनों को यार। वैसे शादी से पहले की लाइफ ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब बोल नहीं सकते कि मतलब अच्छी होती है शादी के बाद भी, पर शादी से पहले की बात एक अलग ही बात होती है। तो अभी मैं गुंडा बन गई हूँ क्योंकि मुझे स्कूटी में जाना है, और मेरा वेट हुआ यहाँ पर ख़त्म। मेरा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है, अब फटाफट से पिज़्ज़ा लेते हैं और चलते हैं घर, क्योंकि बज गए हैं 7:30 और पापा जी को जाना होता है 8 बजे घर से, वो निकल जाते हैं ऑफिस के लिए, तो फटाफट चलते हैं, उससे पहले ही सब कुछ केक वगैरह कट करना पड़ेगा। तो चलते हैं फटाफट से लेते हैं। भैया फटाफट कर दो ना यार, बाद में बात करना, पहले मुझे मेरा पिज़्ज़ा दे दो। तो भैया यहाँ पर ना थोड़ा सा दिमाग ख़राब कर रहे थे क्योंकि वो भी अपना कुछ काम कर रहे थे। थैंक यू सो मच भैया, आपने मेरा ऑर्डर जल्दी कर दिया, तो अब लेके चलती हूँ। तो एक हाथ में है केक और एक हाथ में पिज़्ज़ा, तो दोनों हाथों में पिज़्ज़ा और केक, तो शूट किससे करूँगी। तो फटाफट से इनको रखती हूँ स्कूटी में और चलते हैं फटाफट से घर। रख दिया मैंने सामान, अब कर लेती हूँ मैं स्कूटी को स्टार्ट और चलते हैं घर। फ्रेंड्स, आप सब लोग भी आ जाइए मेरे बर्थडे में, आना ज़रूर। अब पार्टी स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हो रहा है मेरा बर्थडे सेलिब्रेट, तो आप भी आ जाइए। तो यहाँ पर मैं अपने बेटे के साथ केक कट कर रही हूँ, पापा भी हैं पर उन्होंने अभी पकड़ा हुआ है कैमरा, तो वो अभी मेरे साथ केक नहीं कट कर पा रहे हैं, तो आगे आगे दिखाऊंगी आपको। वो भी आ गए हैं अभी घर, तो खिला देती हूँ अपने बेटे को। और ये देखें क्या स्पेलिंग लिख दी यार, केक वाले से मैंने बोला गीतू लिखना, गीतू लिखने के लिए बोला था और उसने क्या लिख दिया बताइए, उसने स्पेलिंग ही गलत लिख दी। तो अभी मैं खिला रही हूँ अपने बेटे को, और अपने बेटे के हाथ से खुद से खाने लग गई। और ये है हमारी मम्मी जी, तो मम्मी जी मेरे को खिला रही हैं केक, हैप्पी बर्थडे विश कर रही हैं। तो मैं ले लेती हूँ मम्मी जी का आशीर्वाद, आशीर्वाद ले लिया है मैंने, और ये बेटू के साथ थोड़ा सा मस्ती कर रही है, और अभी मैं भी खिला देती हूँ मम्मी जी को। और ये हैं हमारे पापा जी, ये देखिए ये जा रहे हैं अभी ऑफिस, तो फटाफट से हमने केक कट करा था, ऐसे ही मैं बाहर से आई थी, ना तैयार हुई ना कुछ, तो कोई नहीं यार, ऐसी सिंपल लाइफ ही ज़्यादा अच्छी होती है, ऐसे दिखावा ज़्यादा मैं नहीं करती, तो ऐसे ही मैं बाहर से आई थी, तो ऐसे ही मैंने कही पापा जाने वाले हैं, तो फटाफट केक कट कर लेती हूँ। तो अब आ गए हैं मेरे पतिदेव, ये देखिए ये आ गए हैं, और इन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, ये बोल रहे थे कि मैं तुम्हारा बर्थडे मतलब नहीं तुमको कुछ सरप्राइज़ वगैरह दे पाया, ये पहले बाहर जाने के लिए कह रहे थे, तो बाहर जाने का नहीं हुआ हमारा, तो फिर हमने घर पे ही, मैंने कि कोई बात नहीं यार, इस बार का बर्थडे यही ठीक है, कोई नहीं, सेलिब्रेशन होना चाहिए, सारी फैमिली खुश होनी चाहिए, बाहर जाना वाना तो लगा ही रहता है, तो इसलिए ये सिंपल तरीके से हमने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करा। और ये देखिए ये चम्मच को छोड़ने के लिए ही तैयार नहीं है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का मेरा व्लॉग आपको? तो व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक रखिए अपना ध्यान, और यहाँ पर मेरी बेटी भी मेरे पीछे, ये देखिए। तो अब हम सो जाते हैं, अभी बज गए हैं 9:30। तो फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय बाय, कल मिलते हैं। व्लॉग को लाइक कर देना ज़रूर से, और शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय।